अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। अच्छा, कल की वीडियो के लिए बहुत गिला है आप लोगों से, जो कि आप लोगों ने प्यार मोहब्बत नहीं दिखाया था कल वाली वीडियो पे। सीन ये है कि वीडियो में किसी क्रिएटर का नाम यूज़ हो जाता है तो आप लोग वीडियो देखते हो। अगर नॉर्मली वीडियो होती है जिसमें हम क्रिएटर का नाम ना ले, बेशक हम कहले क्रिएटर्स के साथ, लेकिन टाइटल चेंज हो तो आप लोग क्लिक वगैरह नहीं करते हो, देखते नहीं हो, तो वीडियो उससे भी हैवी होती है ये वीडियो। बट नाम के वजह से आप लोग क्लिक नहीं करते और आप लोग देखते नहीं हो। तो सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना। अभी यहाँ पे मैंने डबल स्नाइपर उठाई थी, जो कि ये पहली मेरे गेम प्ले थे। किल बेशक कम है लेकिन शॉट्स काफी हैवी शॉट मारे, जो कि मैंने अभी तक टिकटॉक वगैरह पे पोस्ट नहीं की। तो वीडियो को एडवांस पे लाइक लाजमी करना, बाकी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना। आगे जाके DBS पे 1v7 वगैरह वाला सीन भी होने वाला है, जो कि काफी हैवी AR भी चलाया था मैंने। बाकी इन बंदों के साथ काफी हैवी फाइट हो जाती है, जो कि यहाँ पे असल में सीन ये होता है कि हर तरफ से पड़ रही होती है और हमारे पास कवर नहीं होता। सामने बड़े अपार्टमेंट में बंदे थे, उसके साइड वाले में भी थे और स्कूल से भी पढ़ रही थी। तो मुझे लगा कि यार भागने में ही फायदा है, तो यहाँ से जाके स्कूल चले गए, जो कि स्कूल में दो बंदे छत पे होते हैं, वो मलक से मार देते हैं, जो कि मेरे पास डबल स्नाइपर होती है भाई, समझ रहे हो, मैं नजदीक से डायरेक्ट नहीं घुसता हूँ, जो कि मुझे शॉर्ट्स निकाल लेते। तो ऊपर छत पे चढ़ के जो कि अपार्टमेंट वाले बंदे थे, काफी हैवी एडवांटेज मिल जाता है मुझे, जो कि सामने सामने क्लियर नजर आते और उनके पास भी स्नाइपर होते हैं, मेरे पास भी स्नाइपर होता है, जो कि मुझे भी एक बार नॉक कर देते और मलक साहब के भी नॉक कर देते। तो खैर, अगर ये वीडियो आप लोग बगैर वॉइस की देखोगे तो आप लोगों को काफी मजा आ जाएगा। और बाकी आगे जाके वॉइस ओवर करते हैं। Йоу, кас надо, два каса иди. А кого разойдал, стоит она же? बाकी इस बंदे के पास होता है DBS, जो कि ये DINA से मैं बहुत डरता हूँ, ये DINA टेस्ट करना। और बाकी समझ रहे हो, पबजी वालों को चाहिए कि ये DINA टेस्ट जो है ये हटा ले पबजी से, इससे बहुत तंग हूँ यार, कसम से। इतना मरता हूँ ना इस शॉटगन से, जो कि गुस्से से मैं पागल हो जाता हूँ। तो खैर, आगे जाके मैं खुद DBS उठाने वाला हूँ, जो कि समझ रहे हो, रिवेंज लेंगे। जिन्होंने हमें मारा था, जिस तरीके से हमें मारा था, उसी तरीके से हम इनको फैलेंगे। तो खैर, ये लेट्स सी, ये स्नाइपिंग वाला सीन खत्म होने वाला है, आगे जाके DBS वाला सीन स्टार्ट हो जाएगा। کینگم دارا غه نه قول نه نه لا خیر د زم وینشت کینگ خوراله خود بر کینگ سکت او جون کتر را غه کینگ یلو غه کتر را बाकी बहुत मुश्किल सिचुएशन से मैं बच के निकल आता हूँ अपार्टमेंट, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था कि यहाँ पे भी भाई साहब छुपे हुए रुस्तम बहुत ज़्यादा है, जो कि समझ रहे हो आगे। तो इस बंदे को मैंने एक बॉडी शॉट दे दिया ऊपर छत पे, और सामने मेन अपार्टमेंट में भी थे बंदे। इतने में एक बंदा नीचे से आ जाता है, जो कि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो मैंने वो पावर यूज़ किया, पावर से मैं अंदर कमरे के अंदर घुस गया, लेकिन नहीं घुसा नहीं दिया, ग्लिच की वजह से मैं दोबारा बाहर आ गया और वहाँ पे मेरा हेड उनको शो हो जाता है और उससे एक बुलेट मेरे पे पड़ जाती है, जो कि मैं शहीद हो जाता हूँ। तो खैर, ये गेम प्ले यहाँ तक ख़त्म हो जाती है और चलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले की तरफ, जो कि यहाँ पे मुझे शुरू शुरू में DBS वाला सीन होने वाले, क्योंकि DBS मुझे मिल जाती है। और बाकी आपको पता होगा कि DBS जो है ना बहुत ख़तरनाक किस्म की गन है, जो कि फुल 120 में चलती है।
किया भी मेरे सारे टीममेट इन्होंने नॉक कर दिए थे, जो कि डेविल साहब को भी नॉक कर दिया था, वली ओबी को भी नॉक कर दिया था और उन दोनों को फिनिश दे दिया। डेविल साहब नॉक पड़ा था जो कि चार पाइयों पे बेचारा चीखे मार रहा था कि मुझे रिवाइव करो। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले तो था स्कारल्स जो कि मैंने उसके बाद उठा लिया डीबीएस। अब मुझे लगा कि ये चार बंदे जो कि चारों के चार मेरे पे रश करेंगे, तो इस वजह से मैंने डीबीएस उठाया। और बाकी आप लोग खुद देख लो जो इनके साथ हुआ। और दूसरी बात ये कि ये स्क्वाड खत्म हुआ नहीं था, जो कि दूसरे स्क्वाड ने रश कर दिया। तो बाकी इवेंट में जितने भी बंदे थे तो काफ़ी हैवी तरीके से फेंक दिए, जो कि शॉटगन आप लोगों को पता होगा यार एक ही शॉट पड़ती है। और ये जो बंदा मरता है इससे ना उसे पता चल जाता है कि भाई शॉटगन से मर रहा हूँ, बहुत गुस्सा आता है बंदे को। तो खैर यहाँ पे इवेंट हमने खाली कर दिया था और निकल आए पिचंकी वाली साइड। अब यहाँ पे शुरू शुरू में जैसे पिचंकी आते तो दो बंदों पर हम डायरेक्ट डायरेक्ट घुस जाते हैं, जो कि डेविल को नॉक कर देते और उसमें मार देते। उसके बाद हम पुचंकी से निकल आते हैं यहाँ पे गटका वाली साइड। तो यहाँ पे दो स्क्वाड पहले से ही लड़ रहे थे, जो कि इस स्क्वाड में हम घुस जाते और यहाँ पे डेविल शुरू शुरू में बिना पूछे समझे ही मर जाते, जो कि मुझे थोड़ा मौका मिल जाते। लेकिन वो बंदा थोड़ा एडवांटेज मतलब समझ रहे थोड़ा ऊपर था और मैं जंप करके मेरा एम थोड़ा बिगड़ गया और उसने मुझे मार दिया। तो खैर अब चलते हैं तीसरी गेम की तरफ। तो तीसरी गेम में भी इवेंट में काफ़ी हैवी फाइट होने वाले हैं, जो कि 8 किल के साथ हम इवेंट खाली करेंगे। उसके बाद आगे जाके हम M24 वगैरह से किल वगैरह करेंगे, तो साथ दो दो फ्लेयर्स भी चलाएंगे। बाकी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी करना। बाकी मेरा वॉइस ओवर यही तक था, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दो पावर फिर मुझे ब्रो नाइस, अब ऊपर जाओ मुझे मारो, ऊपर से मारो जी। अब मैं करूं ट्राई यार, थोड़ा सा और फिर से नाइस नाइस नाइस। We'll be right back.